हर दोस्तों, मैं कैलाश आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी एस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, डेली शाम को 6:15 बजे ये सीरीज़ आपके लिए लाई जाती है और इस सीरीज़ के माध्यम से हम करंट अफेयर्स के वार्षिकांक 2022 को हल करने वाले हैं। इस सीरीज़ में हम जून 2021 से लेकर मई 2022 तक का करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं और आज इस सीरीज़ का 8वां जो वीडियो है वो आप लोगों के सामने अपलोड किया जा रहा है। यानी हम, जैसा कि आप जानते ही हैं, 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन डेली डिस्कस करते हैं। 1 से 100, फिर 101 से 200, इस प्रकार से करते हुए डेली 100 क्वेश्चन को हल करते हुए 800 क्वेश्चन के माध्यम से हम जून 2021 से मई 2022 तक का करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। इससे पहले आपने 6 बजे इसी चैनल पर एक वीडियो देखी होगी जो कि जीएस से संबंधित है। वो डेली आपको 6 बजे लाई जाती है और ये वाली वीडियो 6:15 बजे, जिससे आप दोनों वीडियो एक साथ देख पाएँ। चलिए, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। ये करंट अफेयर्स की सीरीज़ है जो आगामी UP SSC, लेखपाल, पुलिस, SSC, NTPC, इसके अलावा अब देखें राजस्थान पुलिस और अन्य एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण होती है। चलिए, तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो भी वीडियो देखनी है वो आप GS विद कैलाश सर नाम के YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना दी गई है करंट अफेयर्स SPD करंट अफेयर्स के नाम से, जिसमें आप अन्य वीडियोज को देख सकते हैं। हमने पिछली 7 वीडियो में 700 तक क्वेश्चन कवर किए। आज हम 700 से लेके 800 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जिसमें साल भर की करंट अफेयर्स कवर हो जाएगी। चलिए, तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ सीधा। देखिए, कल का जो हमारा आखिरी क्वेश्चन था वो था, हाल ही में किस देश ने विदेशी मुद्रा संकट और बढ़ती खाद्य कीमतों का कारण खाद्य आपातकाल घोषित किया है? किस देश ने विदेशी मुद्रा संकट और बढ़ती खाद्य कीमतों के कारण खाद्य आपातकाल घोषित किया था? ये किया था श्रीलंका ने, और आप जानते हैं अभी श्रीलंका में भयावह स्थिति बनी हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता? तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जो जीता गया, किसके द्वारा जीता गया? सभी लोग आंसर करेंगे इसका। आप लोग एक बार आंसर करेंगे, आपको 2 सेकंड क्वेश्चन पढ़ने के बाद 2 सेकंड का टाइम दिया जाता है, जिसके बाद में आपको इसका आंसर बताया जाता है, जिससे आप अपनी तैयारी को बिल्कुल सही टाइम पर रियल टाइम में जांच पाएँ कि आपने कैसी तैयारी की हुई है। दोस्तों, ये सीरीज़ हमारी आज कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में आप अपने सजेशन दे सकते हैं कि 6:15 बजे कौन सी सीरीज़ लेके आई जाए, वरना एक सीरीज़ आपके लिए प्लान की गई है, डेली 50 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन दोबारा से हम इसे कवर करेंगे, लेकिन दूसरी वीडियो के माध्यम से, मतलब दूसरी PDF के माध्यम से कवर करेंगे। अभी हमने SPD की कवर किया है, हम किसी दूसरी बुक के माध्यम से इसे कवर करने वाले हैं, जिससे ये होगा कि हमारी जो प्रैक्टिस है वो और अच्छी हो जाएगी। हमने ये क्वेश्चन देख लिए, ये आपके लिए YouTube चैनल पर अवेलेबल हैं, इनकी वीडियो आप कभी भी देख सकते हैं। एग्ज़ाम से पहले आप जब इन्हें देखने बैठेंगे तो 30-30 मिनट की 8 वीडियो हैं, यानी आप इसे 4 घंटे में देख सकते हैं। मैक्सिमम 240 मिनट होती हैं, और 240 में जब आप 60 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार, अर्थात आप 4 घंटे में ये वीडियो देख सकते हैं। फास्ट फॉरवर्ड करके भी देखेंगे तो आप जल्दी से उसे 2 से 3 घंटे में भी देख पाएंगे। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, सभी लोग, जैसा कि आप आंसर कर ही चुके हैं, डेफिनेटली बिल्कुल श्योर आंसर है आप लोगों का, आंसर हो जाएगा बी, अवनी लेखरा। पैरालंपिक में स्वर्ण पदक किसने जीता? अवनी लेखरा ने। तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान से फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? हम जानते हैं हमारे पड़ोसी देश अफगानिस्तान पर तालिबान के द्वारा कब्जा कर लिया गया है। तालिबान एक संगठन है जिसके द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया गया है, और अमेरिकी सेना भी यहाँ से लौट चुकी है। तो वहाँ जो भारतीय फंस गए थे उन्हें निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन देवी शक्ति। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कुश्ती खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का फैसला किया है? किस राज्य की सरकार ने कुश्ती खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का फैसला किया है? ये कुश्ती के बढ़ावे के लिए कार्य करेंगे, उत्तर प्रदेश। आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। प्रतिवर्ष विश्व उद्यमी दिवस कब मनाया जाता है? उद्योगपतियों से संबंधित है। विश्व उद्यमी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये अगस्त महीने में मनाया जाता है, और अगस्त महीने की 21 तारीख को, 21 अगस्त को विश्व उद्यमी दिवस के रूप में मनाया जाता है। NTPC ने कहाँ
अपने सिमहाद्री थर्मल पावर स्टेशन के जमाशय पर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक परियोजना शुरू की है। जलाशय होना चाहिए यहाँ पे क्या होगा, जलाशय। एनटीपीसी ने हाल ही में कहा भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक परियोजना शुरू की है, आंसर हो जाएगा ए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश 21 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय स्मरण एवं श्रद्धांजलि दिवस 2021 का विषय क्या था? 21 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय स्मरण एवं श्रद्धांजलि दिवस 2021 का विषय क्या है? इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा विषय था इसका, इसका विषय था कनेक्शंस। देखिए दोस्तों, एक सीरीज आपके लिए प्रपोज की जा रही है, आप लोग अगर इसे लाइक करते हैं तो वो डेफिनेटली आपके लिए अपलोड की जाएगी। दो सीरीज आपके लिए भी लगातार आ रही हैं, एक 6 बजे हम GS की सीरीज और 6:15 बजे जो है करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस सीरीज लेकर आ रहे हैं। आपके लिए कुछ कॉन्सेप्ट जो अलग अलग सब्जेक्ट स्टैटिक GK के कॉन्सेप्ट होते हैं उनसे रिलेटेड कुछ वीडियोज हैं जो अपलोड की जाएंगी इसी चैनल पर, और इसके अलावा करंट अफेयर्स के कुछ कॉन्सेप्चुअल जो कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट होंगे उन्हें अपलोड किया जाएगा। तो आप एक बार बताएं कि आप लोग कैसा किस टाइम चाहते हैं, किस टाइम ये चीज़ें अपलोड की जाएं, जिससे आप स्टैटिक GK भी अच्छा कर पाएं। वहाँ हम कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे, कॉन्सेप्ट से पढ़ते हुए चलेंगे। तो एक बार आप बताएं, आप कॉन्सेप्ट से पढ़ना चाहते हैं या क्वेश्चन आंसर फॉर्म में स्टैटिक GK आपके लिए स्टार्ट की जाए। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने नौसेना संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ संपूर्ण मार्गदर्शन दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए? हाल ही में किस देश ने नौसेना संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ संपूर्ण मार्गदर्शन दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ए जापान, बी ऑस्ट्रेलिया, सी दक्षिण अफ्रीका या डी श्रीलंका। तो संपूर्ण मार्गदर्शन दस्तावेज पर हस्ताक्षर जो है नौसंबंधों को बढ़ाने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हस्ताक्षर हुए। हाल ही में किसने राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश से भाग जाने पर खुद को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया? अमरुल्ला साले। आंसर क्या हो जाएगा, अमरुल्ला साले। केरल में साहसिक पर्यटन के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? केरल में साहसिक पर्यटन के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, हॉकी टीम के गोलकीपर हैं ये, पी आर श्रीजेश। हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूह के बाजार उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सोन चिरैया नाम का एक लोगो और ब्रांड लॉन्च किया है? किस मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूह के बाजार उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सोन चिरैया नाम का लोगो और ब्रांड लॉन्च किया है? सी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में ओडिशा सरकार द्वारा किस खिलाड़ी को बीजू पटनायक खेल रत्न अवार्ड प्रदान किया गया? तो ओडिशा सरकार के किस खिलाड़ी को, ये पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं बीजू पटनायक, उनके नाम से ये खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है, और इन्होंने ही बीजू पटनायक ने ही कलिंग रत्न अवार्ड की भी घोषणा की थी जो यूनिसेफ के द्वारा दिया जाता है। चलिए, हाल ही में ओडिशा सरकार द्वारा किस हॉकी खिलाड़ी को बीजू पटनायक खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है? और आपका आंसर हो जाएगा अमित रोहितास। आंसर हो जाएगा अमित रोहितास। 712वां क्वेश्चन। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किस अभिनेता को देश के मोंटोर अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? दिल्ली के मुख्यमंत्री हम जानते हैं अरविंद केजरीवाल। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किस अभिनेता को देश के मोंटोर अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ए सलमान खान, सी अजय देवगन, बी सोनू सूद या डी अनिल कपूर। आंसर होगा बी सोनू सूद। किसे नियुक्त किया गया है देश के मेंटोर अभियान का ब्रांड एम्बेसडर? अरविंद केजरीवाल के द्वारा सोनू सूद को नियुक्त किया गया है। हाल ही में न्यूयॉर्क की प्रथम महिला गवर्नर कौन बनी? तो न्यूयॉर्क की प्रथम महिला गवर्नर जो बनी है महिला, इनका नाम क्या हो जाता है? न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर कैथी होचुल बनी है। हाल ही में किस संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर न्यूवोल्ट बनाया है? किस संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर न्यूवोल्ट बनाया है? और आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास के द्वारा पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर न्यूवोल्ट बनाया गया है।
हाल ही में वर्ष 2021 के इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड्स में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला? हाल ही में वर्ष 2021 के इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड्स में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? ये पुरस्कार जो है विद्या बालन ने प्राप्त किया है। विद्या बालन के नाम पर इंडियन आर्मी ने एक अपनी फायरिंग रेंज का नाम भी रखा था, जो PET में क्वेश्चन पूछा गया था। हाल ही में कौन सा भारत का पहला ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बना है? तो भारत का कौन सा पहला ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बना है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे, और ये हो जाएगा दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला स्मोक टावर लगा है? और आंसर हो जाएगा दिल्ली। भारत का पहला स्मोक टावर जो लगा है ये दिल्ली। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है? किस सरकार के द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर किसान न्याय योजना शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा डी, छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे स्थित सेना खेल संस्थान का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो पुणे महाराष्ट्र में स्थित जो खेल संस्थान है, सेना खेल संस्थान, उसका नाम जो है नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया है। नीरज चोपड़ा ने अभी भाला फेंक में भारत को टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाया था। हाल ही में 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो वयस्क आबादी को 100% वैक्सीन लगाने वाला भारत का जो पहला राज्य बना है ये हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। 800 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से भारत का पहला वाटर विला कहाँ बनाया गया? 800 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से भारत का पहला वाटर विला जो बनाया गया कहाँ बनाया जा रहा है? आंसर हो जाएगा ए लक्षद्वीप। हाल ही में भारत सरकार ने अपने सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया? तो भारत सरकार ने अपने सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, अब उसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? देखिए आंसर कीजिए सभी लोग इसका। दोस्तों, जो लगातार प्रयास करते हैं सफलता उन्हीं को मिल पाती है। कहा जाता है मंजिल मिल ही जाएगी भटकते हुए ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो अपना हौसला अपना जज्बा बना कर रखें और मंजिल की ओर भले ही धीमे कदमों से किंतु बढ़ते रहें, आपको डेफिनेटली सफलता मिलेगी। और जब आपको सफलता मिलेगी तो सब लोग उससे इंस्पायर भी होंगे। हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? और आंसर हो जाता है, जैसा कि आप सभी लोग आंसर कर पा रहे हैं, धृति बनर्जी। जो लोग भी इसका सोमा मंडल आंसर कर रहे हैं उनका आंसर गलत हो जाता है। चलिए 724वां क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2021-22 के लिए लक्षित ऋण वितरण राशि क्या है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2021-22 के लिए लक्षित ऋण जो लक्ष्य बनाया गया है 21-22 के लिए ऋण वितरण राशि कितनी मानी गई है? आंसर होगा ए 3 ट्रिलियन रुपए। हाल ही में किस संगठन ने भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप उत्तराखंड भूमि अलर्ट विकसित किया है? हम जानते हैं उत्तराखंड में कई सारे भूकंप आते रहते हैं, तो इस वजह से इसके लिए ये डेवलप किया गया है। और ये किसके द्वारा किया गया है? आईआईटी रुड़की के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेबी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने ऋण सुरक्षा पर मुद्दों की पहचान के लिए एक अद्वितीय संख्या ISIN आवंटित की है। ISIN का पूर्ण रूप क्या है? तो ISIN का जो पूर्ण रूप होता है वो क्या हो जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संकेत संख्या। इंटरनेशनल
सेफ्टी इंडिकेशन नंबर। चलिए, हाल ही में किस मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के लिए एक संगठन गरिमा गृह लॉन्च किया है? किस मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के लिए एक संगठन गरिमा गृह लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा सी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस बैंक को द बैंकर द्वारा डिजिटल बैंकिंग अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो द बैंकर के द्वारा किस बैंक को डिजिटल बैंकिंग अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? ये सम्मान पाने वाली कौन सी बैंक है? डिजिटल बैंकिंग अवार्ड 2021 से सम्मानित होने वाली जो बैंक हैं, एक बार आप ऑप्शन देखेंगे, सिटी बैंक, CSB बैंक, फेडरल बैंक या DBS बैंक। तो ये जो अवार्ड मिला है ये किसे मिला है? DBS बैंक को। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में गोरखधंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? अब इसे गोरखधंधा शब्द पर प्रतिबंध लगा दिया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। हाल ही में सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बना है? तो यहाँ पर सैटेलाइट फ़ोन कर पाएंगे, तो सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो बना है ये बना है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। आप लोगों को बताना है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ स्थित है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, क्वेश्चन मार्क है ये, आप सभी लोग देखकर आंसर बताएंगे। सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है कौन सा है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और ये किस राज्य में स्थित है? हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र शुरू हुआ है? किस राज्य में भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा बी, केरल। केरल राज्य में भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र शुरू हुआ है। पीएम मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की है? पीएम मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा 14 अगस्त। तो भारत का जो विभाजन हुआ था 14-15 अगस्त के मध्य रात्रि को हुआ था। 14 अगस्त को पाकिस्तान ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया और भारत अपना स्वतंत्रता दिवस जो है ये 15 अगस्त को मनाता है। तो पीएम मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा 14 अगस्त। 15 अगस्त को हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने IT क्षेत्र में राजीव गांधी पुरस्कार देने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने IT क्षेत्र में राजीव गांधी पुरस्कार देने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ए महाराष्ट्र। हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI ने नीरज चोपड़ा के सम्मान में प्रतिवर्ष किस तारीख को भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा की है? तो हम जानते हैं नीरज चोपड़ा जिन्होंने व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में भारत को टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक दिलाया और इन्होंने भाला फेंक प्रतियोगिता में यह पदक दिलाया था, इस वजह से एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भाला फेंक दिवस जो मनाने की घोषणा की है वो उसी तारीख को की है जिस तारीख को इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, 7 अगस्त। एथलेटिक्स में व्यक्तिगत रूप से या व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा पहले खिलाड़ी हैं। इसके अलावा अगर व्यक्तिगत रूप से देखा जाए स्वर्ण पदक जीतने वाले तो ये दूसरे खिलाड़ी हैं, क्योंकि इनसे पहले अवनव बिंद्रा ने शूटिंग में जो है स्वर्ण पदक जीता था, किंतु नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक्स में जीता है। तो एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले यह पहले भारतीय हो जाते हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 8 अगस्त 2021 को पूरे भारत में अगस्त क्रांति कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? हम जानते हैं 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो 1942 से ये स्टार्ट हुआ था। अब पूछा जा रहा है कि इसकी कौन सी भी वर्षगांठ मनाई गई है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसकी 79वीं वर्षगांठ मनाई गई है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के द्वारा कुल 7 पदक जीते गए। कितने? कुल 7 पदक जीते गए। हाल ही में कौन COVID-19 के खिलाफ 100% वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है?
तो COVID-19 के खिलाफ 100% वैक्सीनेशन करने वाला भारत का जो पहला शहर था उसका नाम हो जाता है भुवनेश्वर। हाल ही में किसने मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब जीता है? हाल ही में किसने मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब जीता है? आंसर होगा वैदेही डोंगरे। आंसर क्या हो जाएगा? वैदेही डोंगरे। मिस इंडिया 2021, मिस इंडिया यूएसए, यूएसए में मिस इंडिया 2021 का खिताब किसके द्वारा जीता गया? वैदेही डोंगरे के द्वारा। हाल ही में कौन सा राज्य ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, आप देखिए। कौन सा राज्य ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? और इसका आंसर हो जाएगा एक कर्नाटक। कर्नाटक जो है ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने वाला पहला राज्य बन गया है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों का 7वां संस्करण वर्ष 2021 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों का 7वां संस्करण 2021 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा रूस। कहाँ आयोजित किया जाएगा? आंसर रूस। राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी वैश्विक युवा सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? राष्ट्रमंडल सचिवालय लंदन द्वारा जारी वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत को इसमें कुल 122वां स्थान प्राप्त हुआ। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। ब्रिटिश कंपनी हाइस प्रेस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? तो ब्रिटिश कंपनी हाइस प्रेस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है वो क्या हो जाता है? होटन। कौन सा शहर हो जाता है? होटन। 743वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने। 12 अगस्त 2021 को किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-03 लॉन्च किया गया है जो असफल रहा? 12 अगस्त 2020 को किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-03 लॉन्च किया गया जो असफल रहा? इसरो के द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, इसरो के द्वारा। हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहली बार अल मोहिद अल हिंदी 2021 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया? भारत और किस देश के बीच अल मोहिद अल हिंदी जो है ये युद्ध अभ्यास किया गया? भारत और सऊदी अरब के बीच। हाल ही में भारत में भारतीय वायुसेना ने दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC टावर का निर्माण किया है? हाल ही में कहाँ भारतीय वायुसेना ने दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC टावर का निर्माण किया है? और इसका आंसर हो जाएगा बी लद्दाख। हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित किया गया, यह किससे संबंधित है? तो 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद में पारित किया गया, यह किससे संबंधित है? यह राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को OBC सूची बनाने के अधिकार से संबंधित है। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपनी OBC सूची स्वयं निर्माण कर पाएंगे, ऐसा विधेयक जो है संसद में 2021 में 127वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में लॉन्च व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के तहत कमर्शियल एवं प्राइवेट गाड़ियों को कितने वर्षों के बाद स्क्रैप कर दिया जाएगा? गाड़ियां कुछ टाइम के बाद जो है स्क्रैप कर दी जाती हैं, अर्थात ख़राब घोषित कर दी जाती हैं। तो हाल ही में लॉन्च व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के तहत कमर्शियल एवं प्राइवेट गाड़ियों को कितने वर्षों के बाद स्क्रैप कर दिया जाएगा? तो कमर्शियल गाड़ियों को स्क्रैप करने की जो वर्ष रखी गई है वो 15, और जो आपकी प्राइवेट गाड़ियां हैं वो 20 वर्ष। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा डी, क्रमशः 15 और 20 वर्ष। भारत के पहले हिमालयन फिल्म फेस्टिवल की मेज़बानी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा की गई? भारत के पहले हिमालयन फिल्म फेस्टिवल की मेज़बानी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा की गई? और इसका आंसर हो जाएगा ये की गई लद्दाख के द्वारा। हाल ही में रामसर स्थलों की सूची में शामिल भिंडवास वन्य जीव अभयारण्य एवं सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? हाल ही में रामसर स्थलों की सूची में शामिल भिंडवास वन्य जीव अभयारण्य एवं सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ए हरियाणा। किस राज्य में स्थित है? ए हरियाणा।
750वां क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया? किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में भारतीय महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया? चलिए देखते हैं, आंसर है जोया अग्रवाल। जोया अग्रवाल। दोस्तों, इस सीरीज़ की जो PDF है वो आज आपके लिए अपलोड कर दी जाएगी। इस वीडियो के साथ साथ आप टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे तो वीडियो लिंक के साथ डेली PDF अपलोड की जाती है। तो 800 क्वेश्चंस की जो PDF होने वाली है वो आज चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। सभी लोग टेलीग्राम चैनल GS विद कैलाश सर को भी ज्वाइन कर लेंगे और PDF को प्राप्त कर पाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या रखी गई? तो भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की जो थीम थी वो क्या थी? नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम थी नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। किस अफ्रीकी देश में पहली बार मारमर्ग वायरस का मामला सामने आया है? तो अफ्रीकी देश में मारवर्ग वायरस का मामला सामने आया है और आंसर हो जाएगा एक गिनी देश में। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के साथ ही लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली महिला कौन बन गई हैं? टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के साथ ही लगातार 2 ओलंपिक में खेलों में पदक जीतने वाली महिला जो बनी है वो है आपकी PV सिंधु, जो बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं। भारत की प्रमुख द्विवार्षिक सैन्य प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? भारत की प्रमुख द्विवार्षिक सैन्य प्रदर्शनी जो है इसका आयोजन गुजरात के गांधीनगर में किया जाएगा, गुजरात के गांधीनगर में। टोक्यो ओलंपिक 2022 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर 41 वर्षों के बाद कांस्य पदक जीता? तो हम देखते हैं भारतीय हॉकी टीम, हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल भी है, तो टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के द्वारा 41 वर्षों के बाद कांस्य पदक जीता गया है और इन्होंने किस देश को हराया था? तो बी जर्मनी। आंसर क्या होगा? बी जर्मनी को हराया। हाल ही में प्रकाशित नेहरू तिब्बत एंड चाइना के लेखक कौन है? एक पुस्तक लिखी गई है नेहरू तिब्बत एंड चाइना नाम से, एक पुस्तक लिखी गई है और इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो अवतार सिंह बसीन इस पुस्तक के लेखक हैं। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा पानी माह अभियान शुरू किया गया? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा पानी माह वाटर मंथ अभियान जो है वो शुरू किया गया? आंसर हो जाएगा लद्दाख के द्वारा। केंद्र शासित प्रदेश है आपका लद्दाख। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश कौन बन गया? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश जो बन गया है इसका नाम हो जाएगा डी जर्मनी। हाल ही में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 पर चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं? देखिए K2 जो है गॉडविन ऑप्शन के नाम से भी जाना जाता है इसे। ये भारत की कराकोरम श्रेणी में स्थित सबसे ऊंची चोटी है लेकिन अभी ये पाकिस्तान के अधिकार वाले भारत में है। तो हम पूछा जाए भारत में सबसे ऊंची चोटी जब भी पूछा जाता है तो वैसे K2 होगा लेकिन ये POK में स्थित है। तो इस प्रकार से सिक्किम में जो चोटी है कंचनजंगा के नाम से जानते हैं, जो दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी और भारत में स्थित अभी वर्तमान में भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी के रूप में जानी जाती है कंचनजंगा सिक्किम राज्य। और यहाँ पूछा गया K2 से संबंधित, तो K2 पर चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं? पाकिस्तानी व्यक्ति हैं सहरोज काशिफ। हाल ही में इंडियन आइडल 12 के विनर पवनदीप राजन को किस राज्य के कला संस्कृति व पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इंडियन आइडल जो है इसका 12वें सीजन के विनर कौन रहे? पवनदीप राजन। और इन्हें किस राज्य का कला संस्कृति व पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? सी उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? चलिए देखते हैं ऑप्शंस को। दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला जो देश है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार वो जाता है कोपेनहेगन। और ये कहाँ स्थित है? ये डेनमार्क देश में स्थित है।
भारत और किस देश ने 20 अगस्त 2021 को AK-103 राइफ़ल ख़रीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो AK-103 राइफ़ल को ख़रीदने के लिए भारत ने रूस के साथ हस्ताक्षर किया है। हाल ही में भारत के अमित खत्री ने अंडर-20 एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में 10,000 मीटर पैदल चाल में कौन सा पदक जीता? तो 10,000 मीटर पैदल चाल में अंडर-20 एथलेटिक्स चैम्पियनशिप के भारत के अमित खत्री के द्वारा कौन सा पदक जीता गया? रजत पदक। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत किस अभियान की शुरुआत की? जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत किस अभियान की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा सी, सुजलम अभियान। संस्कृत को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो संस्कृत को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य जो है ये बना है आपका उत्तराखंड। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया? किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता साइन किया गया? तो भारत और इजराइल के बीच। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्मदिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया है? तो ऐसे कौन से भारतीय राजनेता हैं जिनका जन्मदिन जो है अब पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा? बताना चाहूँगा इनका जो जन्मदिन होता है वो होता है 23 जनवरी को। और आंसर क्या हो जाएगा पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाना? आंसर हो जाएगा 20, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था, जो पहले बंगाल में पड़ जाता होता। पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? सभी लोग आंसर करेंगे इसका। पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? और इसका आंसर हो जाता है सी, मेघालय। आंसर क्या हो जाएगा? सी, मेघालय। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण जो है किस नदी पर किया गया? 769। और आंसर हो जाएगा सी, नर्मदा नदी पर। देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया है? तो देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन जो बन गया है ये होगा बी, पश्चिमी मध्य रेलवे जो है देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया है। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का जो निर्माण किया गया ये चिनाब नदी पर। कौन सी नदी पर? चिनाब नदी पर किया गया। चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल शुरू की है? तो चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल की शुरुआत की है? हम पहले भी इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका आंसर होगा जापान और ऑस्ट्रेलिया दोनों, अर्थात डी क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल की शुरुआत की है? और आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य की सरकार के द्वारा लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई? तो किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च पैड योजना की जो शुरुआत की गई, देखिए आंसर हो जाता है इसका 773 क्वेश्चन। लॉन्च पैड योजना की शुरुआत है किस राज्य सरकार के द्वारा की गई? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। संरक्षण क्षमता महोत्सव यानी सक्षम 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो सक्षम 2021 का जो आयोजन किया गया ये आपके पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा किया गया। सक्षम 2021 का आयोजन पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा किया गया। तमिलनाडु का 38वां जिला जो बना है वो कौन सा है? मयिलादुथुरई। और आपको बताना चाहूँगा आंध्र प्रदेश राज्य में 13 नए ज़िले बढ़ाए जा रहे हैं और इस प्रकार से अब वहाँ पर आंध्र प्रदेश में ज़िलों की जो संख्या होगी वो 26 हो जाएगी।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? किस व्यक्ति को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? 776 क्वेश्चन आप लोगों के सामने, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अमित केसरवानी। किस व्यक्ति को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? अमित केसरवानी। गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की? गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की? आंसर होगा एक कोयला खान के लिए, कोयला और खान के लिए। हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण स्वेज नहर का मार्ग बाधित हो गया था? ये जहाज किस देश से संबंधित था? तो ताइवान। ताइवान के जहाज के कारण स्वेज नहर में फंस जाने के कारण स्वेज नहर का मार्ग जो था ये बाधित हो गया था, ताइवान। किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया? तो हम देखते हैं किस मंत्रालय के द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया? आपका आंसर हो जाएगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसरो ने ब्राज़ील के अमेजोनिया 1 सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया? इसरो ने ब्राज़ील के अमेजोनिया 1 सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान के द्वारा जरिए लॉन्च किया? आंसर होगा PSLV C-51। निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में PASA एक्ट हाल ही में विवाद का विषय रहा? किस केंद्र शासित प्रदेश में PASA एक्ट हाल ही में विवाद का विषय रहा? आंसर हो जाएगा सी लक्षद्वीप। पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है? तो पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने जो समझौता किया है किसके साथ किया है? ये किया गया है विश्व बैंक के साथ। BBC इंडिया स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो BBC इंडिया स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा आपका कोनेरू हम्पी को। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है? किस संस्था ने देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया? आंसर हो जाएगा AIFCO। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है? तो कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत जो है किस बैंक के द्वारा की गई? सभी लोग आंसर करेंगे इसका। नैनो यूरिया लिक्विड जो है देश के पहले लॉन्च किया गया है ये किस संस्था के द्वारा? IFCO के द्वारा। और कवच व्यक्तिगत ऋण योजना जो है ये SBI बैंक के द्वारा शुरू की गई। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा घर पर COVID-19 की जांच के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी गई? भारतीय चिकित्सा अनुसंधान ICMR के द्वारा घर पर COVID-19 की जांच के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी गई? और आपका आंसर हो जाएगा 786 क्वेश्चन का कोविशेल्फ। किसे मंजूरी दी गई? कोविशेल्फ। देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में शुरू किया गया? तो देश का जो पहला फायर पार्क है ये किस राज्य में शुरू किया गया? ओडिशा। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है? तो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी जो है ये घोषित की गई है भारत की राजधानी नई दिल्ली। गोवा में आयोजित 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश के रूप में किस देश को चुना गया? तो गोवा में आयोजित 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश के रूप में किस देश को चुना गया? ऑप्शन देख लेते हैं। फोकस देश के रूप में चुना गया बांग्लादेश को। काजा कलाश को हाल ही में किस देश की महिला प्रधानमंत्री
के रूप में नियुक्त किया गया है। तो काजा कलास के रूप में, काजा कलास को पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। और ये किस देश से संबंधित हैं? इनका संबंध है एस्टोनिया से, एस्टोनिया से। हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत की? किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा CHDFC बैंक, HDFC बैंक। हाल ही में किस देश ने कोविड महामारी से बचाव हेतु सबसे पहले सबसे बड़े टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत की है? किस देश ने कोविड महामारी से बचाव हेतु पहले सबसे बड़े टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा डी, न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाराजा सुलेहदेव के स्मारक की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाराजा सुलेहदेव के स्मारक की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा रखी? आपका आंसर हो जाएगा डी बहराइच। भारत अपने किस पड़ोसी देश में सैतूत बांध का निर्माण कर रहा है? तो भारत अपने किस पड़ोसी देश में सैतूत बांध का निर्माण कर रहा है? आंसर हो जाएगा डी, अफगानिस्तान। सैतूत बांध, अफगानिस्तान। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? तो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में अक्षय कुमार को चुना गया है। किसे चुना गया है? अक्षय कुमार को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। दोस्तों बताना चाहूँगा, आज की सीरीज में आपके लिए 800 से ऊपर 7 क्वेश्चन हैं, यानी टोटल हम 807 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। और ये सीरीज आज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ये जो सीरीज है स्पीडी करंट अफेयर्स की सीरीज, जिसमें 800 क्वेश्चंस के माध्यम से हम साल भर का करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं, ये आज कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद कल हम किसी दूसरी अच्छी बुक से 50 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस किया करेंगे, जो 6:15 बजे वीडियो उसकी भी अपलोड की जाएगी। चलिए देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई? तो मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। इस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई, मध्य प्रदेश में। किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? तो डकैत संग्रहालय जो बनाने की घोषणा की गई है, ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। मध्य प्रदेश से ही चंबल नदी निकलती है जानपाऊ पहाड़ियों से, और चंबल जो है वो अपनी घाटी क्षेत्र में बीहड़ों का निर्माण करती है जहाँ डकैत रहते हैं। तो किस राज्य सरकार ने डकैतों का संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? डी, मध्य प्रदेश। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं जो थोड़ी आपको बताई गई है। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? तो विश्व के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण जो है किस देश में किया जा रहा है? सी, सिंगापुर। आंसर हो जाएगा सिंगापुर। इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को चेक करेंगे। इस वीडियो के साथ साथ, वीडियो के लिंक के साथ साथ वीडियो का PDF भी, जिसमें पूरे 800 क्वेश्चन होंगे, आपके टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। और जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, वो GS विद कैलासर नामक चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यहाँ आपको लिंक दिया जाएगा, जिसमें आप क्या करेंगे, सीधे टेलीग्राम चैनल पर पहुँच जाएंगे। वहाँ अन्य PDF नोट्स भी आप प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 799। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तर अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किस उत्तर अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? और आपका आंसर हो जाएगा अल सल्वाडोर। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा उत्तर अमेरिकी देश है अल सल्वाडोर को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? तो लाइट हाउस परियोजना जो है, यह आपके पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से संबंधित है, पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से संबंधित है। भारत सरकार द्वारा COVID-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया गया? तो भारत सरकार द्वारा COVID-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हेतु कोविन ऐप लॉन्च किया गया। कौन सा ऐप? कोविन ऐप, जिस पर रजिस्ट्रेशन कराकर आप कोविड के लिए जो वैक्सीनेशन है उसके लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। चलिए
हाल ही में किस देश में फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान चर्चा में रहा? तो फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान जो है ये किस देश में चर्चा में रहा, आंसर हो जाएगा बी ताइवान। ईरान ने किस देश को फर्जाबाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया? ईरान ने किस देश को फर्जाबाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया, और इसका आंसर हो जाता है बी भारत। तो ईरान के द्वारा भारत को बाहर कर दिया गया है बी फर्जाबाद बी गैस योजना से। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टॉर्पेडो डिफेंस सिस्टम सीड पर कार्य करने का निर्णय लिया है? एंटी टॉर्पेडो डिफेंस सिस्टम सीड पर कार्य करने का निर्णय जो है भारत के द्वारा किस देश के साथ मिलकर लिया गया है, और आंसर हो जाएगा इजराइल के साथ। हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है? किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है, आंसर हो जाएगा, देखेंगे एक बार सभी लोग क्या आंसर हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा सोमन बांगचुक। किस मंत्रालय द्वारा सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया? किस मंत्रालय द्वारा सेहत ओपीडी पोर्टल जो है ये लॉन्च किया गया, तो आंसर हो जाएगा डी रक्षा मंत्रालय के द्वारा। अब आपका आज का लास्ट क्वेश्चन, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन जो है, कल से हम नेक्स्ट सीरीज पढ़ने वाले हैं, इसी टाइम पर आपके लिए करंट अफेयर्स की नेक्स्ट सीरीज जो है वो अपलोड की जाएगी। आप क्या करेंगे कि आप इन क्वेश्चंस के अलावा उन क्वेश्चंस को भी देख लेंगे, तो आपका एक वर्ष का जो करंट अफेयर्स है वो पूरा बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाएगा। उस सीरीज में हम डेली 50 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, जिसके साथ में थोड़ी सी डिटेल भी डिस्कस की जाएगी, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। जैस्मिन हैरिसन हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाले विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बनी, उनका संबंध किस देश से है? तो जैस्मिन हैरिसन हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की महिला हैं, और ये किस देश से संबंधित है, आंसर हो जाएगा बी ब्रिटेन से। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 6 बजे डेली आपके लिए GS की एक सीरीज़ लाई जाती है, और 6:15 बजे करंट अफेयर्स की सीरीज़ लाई जाती है शाम को। तो आप इन दोनों सीरीज़ को एक साथ देख पाएँ, इसलिए इनकी टाइमिंग जो है 6:30 से हटाकर 6 बजे कर दी गई है। कल से करंट अफेयर्स की एक नई सीरीज़ हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन डिस्कस किया करेंगे। ये सीरीज़ आपकी यहीं कंप्लीट हो जाती है, इसकी PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। आप यूट्यूब चैनल GS विद कैलाश सर को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आपको डेली ऐसी वीडियो देखने को मिलती रहें, और इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, जिससे आपको इन वीडियोज़ की PDF भी मिल पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा आपको बताया गया था कि कुछ कॉन्सेप्चुअल इन्फॉर्मेशन भी होगी, जो विद कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर की जाएगी, तो इसलिए सभी लोग चैनल का बेल आइकन दबा दें, जब वीडियो अपलोड की जाती है तब आप उसे देख पाएँ। फसल चक्र की एक वीडियो जो है कल अपलोड की गई थी, तो आप उस वीडियो को देखें, मात्र एक मिनट में हमने सभी फसलों का देखा कि भारत में ऋतु आधारित फसलें कौन सी हैं, कब बोई जाती हैं, कब काटी जाती हैं, और इन्हें किस काल में रखा जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।